loves me people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I'm going to show you guys two hairstyles for the cabin crew interview. So if you're excited and if you want to know, keep on watching. The first hairstyle which I'm going to do is a very simple basic bun, okay? It's for all my lazy girls out there. So yeah, so firstly, you need to comb your hair. So I've already done that and I so wish we could just leave our hair open and go like this for the interview, but that's something which just we can't do, okay? So now, सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी मिड पार्टिंग करने वाली हूँ. आप चाहें तो आप साइड पार्टिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे ये मिड पार्टिंग ज़्यादा पसंद है. नाउ अब मैं बनाने वाली हूँ एक पोनी. सो दिस इज द ब्लैक इलास्टिक मेरे. क्या आपके बाल भी झड़ रहे हैं इस मौसम में? सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्लैक इलास्टिक बैंड एंड आई एम गोइंग टू टाई माय हेयर विद दिस. सो मैं काफ़ी हाई पोनी नहीं करने वाली हूँ. So now I'm going to show you how I do my hair. So what I'm going to do now, I'm just going to take this hair and I'm going to twist it, okay? Like so. And that's it. So to make sure this doesn't happen, you're going to take the bobby pins, okay, the jura pins, and you're going to secure it with that, okay? So let's just do it again. Now, the next thing what we are going to do is, we are going to secure it with the jura net. ये मेरा बहुत 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 पुराना जुड़ा नेट है, तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, प्लीज बेयर विद मी. ऑलराइट, नाउ व्हाई डू वी नीड टू अप्लाई दिस जुड़ा नेट. इफ यू सी, अगर आप देख सकते हो छोटे छोटे बाल ऐसे बाहर से निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीच नहीं लगता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू यूज अ जुड़ा नेट. So this is what it looks like from behind. It काफ़ी neat लगता है आपका hair style पीछे से, ठीक है. Now the last thing what we are going to do is we are going to secure it with a hair pin, like so, because we don't want कि कोई भी unwanted hair आपके चेहरे पे आए, तो इसलिए मैंने अपने बालों को secure कर दिया. And this is how my hair looks like. Pretty simple, pretty basic. Anybody can do sort of a hairstyle. And yeah, if you want, you can apply a gel, okay, on your hair. Honestly speaking, मैंने कभी भी gel नहीं लगाया, मतलब अपने पूरे flying career में मैंने कभी भी gel नहीं लगाया, because मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है. एक तो मेरे बाल वैसे भी बहुत घने नहीं हैं, ठीक है, चार बाल तो है मेरे. सो इसकी वजह से जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्ट्रेटनिंग, रिबाउंडिंग एंड यू नो जेल अप्लाई जेल ऑन माय हेयर, ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, और मैं पहले भी अवॉइड करती थी. तो या बट मेरे लकीली मेरे बाल वैसे ही चंपू टाइप्स हैं, लाइक माय स्कैल्प इज ऑयली, सो सेकेंड डे में ही बाल ऐसे चंपू टाइप्स हो जाते हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग इन आई गेस, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे जेल लगाने की, बट आप लगा सकते हैं टू मेक श्योर कि इस तरीके के बाल लगे आपके जिस मेरे लग रहे हैं राइट नाउ. सो दिस इज आवर हेयर स्टाइल नंबर वन. ऑलराइट, तो क्या आप दूसरे हेयर स्टाइल के लिए तैयार हैं? सो ये जो हेयर स्टाइल है, ये मेरा पेटेंट हेयर स्टाइल आप कह सकते हो. मैंने जब भी फ्लाई किया, मैंने फ्लाई में मैंने काफी अपना हेयर स्टाइल मैंने काफी चेंज किए हैं. तो सबसे पहले हम लोग साइड पार्टिंग करेंगे इसके लिए, ठीक है. सो मैंने अपनी फ्लाइंग में काफ़ी हेयर स्टाइल्स चेंज किए हैं, और ये वाला जो हेयर स्टाइल है, ये मतलब सबसे लंबे समय तक जो मैंने ये हेयर स्टाइल यही बनाया है. सो एक तरीके से मेरा पेटेंट हेयर स्टाइल है ये, ओके. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब मैंने ये साइड पार्टी कर दिया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल दिस हेयर स्टाइल ऑल्सो. सो नाउ यू आर गोइंग टू टेक दिस हेयर, सम सेक्शन ऑफ योर हेयर, ट्विस्ट इट, देन एड सम मोर हेयर, ट्विस्ट इट, then add some more hair, twist it, and now what you're going to do, you're going to secure it with the pin, with the hair pin,
अगेन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जितनी भी आपकी हेयर एक्सेसरीज हैं, चाहे वो जुड़ा नेट हो, चाहे वो इलास्टिक बैंड हो, चाहे वो ये यू पिन्स हो, चाहे ये आपकी नॉर्मल हेयर पिन्स हो, प्लीज मेक श्योर ये ब्लैक कलर में हो. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत जरूरी है. तो आपके जितने भी हेयर एक्सेसरीज हो वो सारे ब्लैक कलर में होना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू डू सेम थिंग ऑन द अदर साइड. अगेन आई एम गोइंग टू टेक सम सेक्शन ऑफ माई हेयर, ट्विस्ट इट, देन एड सम मोर हेयर, देन ट्विस्ट इट. अगर मैं तैयार होने की बात करूँ, सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट लगता है मुझे वो है हेयर स्टाइल, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई भी हेयर स्टाइल नहीं आते हैं. सो नाउ वी आर डन विद दिस. अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये सारे हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया है, ठीक है, फिर थोड़ा इसको आगे ऐसे पुश करेंगे तो थोड़ा ये पफ वाला इफेक्ट देगा. ठीक है, मुझे पफ बनाना भी नहीं आता अच्छे से, दैट्स व्हाई दैट हेयर स्टाइल इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस वीडियो. सो मुझे एक्चुअल में आई एम रियली बैड विद द हेयर स्टाइल्स. आई कांट बी वेरी इनोवेटिव. आई हैव सीन सो मेनी पीपल डूइंग सच नाइस हेयर स्टाइल्स, बट मैं मुझे नहीं आता है. ये चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है. सो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ पोनी. ठीक है, अगेन यू गोइंग टू टाई विद अ हेयर बैंड. ऑलराइट, सो ये आपकी पोनी बन गई. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज अ ब्रेड, मेक अ ब्रेड. सो दिस इज अ ब्रेडेड बन, बाय द वे द नेम ऑफ द बन इज अ ब्रेडेड बन. सो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ ब्रेड नाउ. ये एंड तक आपने इस तरीके से जहाँ तक आप ब्रेड कर सकते हो बालों को अपने, आपने ब्रेड करना है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिक्योर इट विद अगेन इलास्टिक बैंड. सो दिस इज वी आर डन विद द हेयर स्टाइल. नो, दिस इज लास्ट स्टेप. सो नाउ अगेन द सेम थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो हमने पहले वाले हेयर स्टाइल में किया था, पहले वाले बन में किया था, सेम चीज हम करेंगे. इसको हम इस तरीके से राउंड करके सिक्योर करेंगे, थोड़ा उसे ऐसे ऐसे करके देखेंगे. यस, आई थिंक इट्स फाइन. ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सिक्योर इट विद जूरा नेट. जूरा नेट बहुत जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आई गेस वी आर डन. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू फ्रॉम बिहाइंड हाउ डज इट लुक. सो यम, दैट्स द फाइनल लुक. दिस इज हाउ द हेयर लुक्स लाइक. थोड़ा सा इसको थोड़ा पुल कर सकते हैं अपने बालों को. Okay. आप ये हेयर स्टाइल इंडियन वेयर के साथ भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप लहंगा पहन रहे हैं, आप साड़ी पहन रहे हैं, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा. मैंने साड़ी के साथ काफी बार किया है. सो या, सो दैट्स अ फाइनल लुक एंड दैट्स अबाउट इट. लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज द हेयर कलर. सो मेक श्योर कि वो काफी नेचुरल लुकिंग हो. डोंट गो फॉर लाइक ब्लॉन्ड्स, या फिर अगर आपने बाल कलर करवा रखे हैं एज इन ब्लू ग्रीन रेड, यू नो इट लुक्स रियली नाइस, बट जब आप किसी भी फॉर्मल इवेंट में जाते हैं तब वो प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं लगता है. सो मेक श्योर कि अगर आपने बाल करवा रखे हैं कलर और वो कोई भी तरीका नहीं कि जिससे वो आप उसे छुपा सको, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप दोबारा से अपने जो बाल हैं कलर करवा दीजिए नेचुरल कलर में. इफ दैट मेक्स एनी सेंस. Yeah, so please color it back to your natural hair color. That's what I would suggest you. काफी लोग जो लंबे बाल होते हैं, बड़े बाल होते हैं, तो वो ends में अपने you know red या orange ऐसा कुछ करवाते हैं. So you can do one thing when you make this sort of a bun like the braided bun, तो उससे वो छुपा सकते हो आप उन बालों को. तो if you can do that, nothing like it. But if it is visible, so make sure you get rid of it. Alright, and yeah, that's pretty much it for this video. So I hope you like this video. I hope you find it helpful. If you do, make sure you give this video a big thumbs up. Also, I have filmed a makeup video for beginners for the cabin crew interview, which is already up on my channel. So I will leave the link over here. You can click, you can watch it. And yeah, that's pretty much it. I shall see you in my next one. Take care.